चौबे जी सालों साल इस विभाग में एक अच्छा नेतृत्व निर्माण कर चुके हैं,
लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भाई उनके साथ हैं, और यही एक भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक माहौल है जो लोगों के साथ सिर्फ उनके काम से नहीं तो दिल से जुड़ता है। मैं आपकी सांसद हूँ, आप मुझे सालों साल प्यार दे रहे हैं, आपके प्यार के लिए मैं हर वक्त काम करती रहूं, लेकिन एक सांसद हर गली तक कभी गलती से पहुंच नहीं पाए, लेकिन हमारे पास ऐसे दिग्गज सालों साल काम करने वाले कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी में बांद्रा पूर्व में हर एक गली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, हर एक गली में, और हर एक गली की हमारी बहनों की समस्याएं उन सबकी व्यवस्थाएं ठीक करें, इसलिए जितनी कोशिश हो सके हम करेंगे आपके समस्या हो उनका समाधान करना, उनका समस्याओं को निवारण करना, यही हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मैं चौबे जी विधानसभा के यहाँ के अध्यक्ष और बांद्रा पूर्व विधानसभा के सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को यही कहूँगी कि ये ऑफिस सिर्फ फोटो लगाने वाला हमारा ऑफिस नहीं है, ये कर्तव्य रूप से काम करने का ऑफिस है। आने वाले समय में ये आपके घर की तरह है, कभी कुछ हुआ तो मुझे ज़रूर कहना कि काम ठीक नहीं हुआ, तो समझो यहाँ नहीं हुआ तो आपकी सांसद यही गली के आगे मेरा भी ऑफिस है। तो यही हम करना चाहते हैं, जितना हो सके हमारी इस जनता को एक जिंदगी में, और मुंबई में रह के तो हर वक्त 2400 घंटे हम तकलीफ से गुजरते हैं, जितनी जिंदगी आसानी से गुजरे उसके लिए जितना काम हो सके हम करें। चौबे जी आपको आज बहुत बहुत बधाई, और आपके रूप से लोगों का काम हो अपेक्षा कर, और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पे आए इनॉग्रेट करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पे है ये कार्यालय, कहाँ पे उद्घाटन हुआ, और पूनम ताई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो धन्यवाद आप सबका यहीं पे यहाँ पे आने के लिए, और मेरे सारे दोस्तों का जो लोग यहाँ पे मौजूद है इस समय, और 22 तारीख को हम लोग ने इस प्रोग्राम को रखा, इस शॉप को इनॉग्रेट करने के लिए पूनम ताई को इन्विटेशन दिया, उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये कार्यालय भाजपा का भी सारी पब्लिक का है, ये गोलीबर 87 वार्ड का है, जहाँ पर कोई भी समस्या के लिए कोई भी आए हम लोग हमेशा उस पर तत्पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को हम सॉल्व करें। ये जो कार्यालय है ये थर्ड रोड भुवनेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर बना है, और ये सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे मोस्टली पब्लिक के लिए ओपन है। ओके, और भी ये भी जाना जाए, मुख्य उद्देश्य क्या होगा इस कार्यालय का उद्घाटन के पीछे, उद्देश्य क्या होगा इस कार्यालय के पीछे? उद्देश्य ये है कि लोगों की सेवा करना और समाज सेवा करना, लोगों की समस्याएं सुलझाना। हाँ चौबे जी, आप क्या पुलिस स्टेशन ज्यादा करके इन चीज़ों को करना। चौबे जी आप क्या कहना चाहोगे आज इस इनॉग्रेशन पे पूनम ताई आई यहाँ पे, और पूरा कार्यक्रम क्या रहा आज के कार्यक्रम की अगर बात करें? देखिए कार्यक्रम ऐसा है कि पूनम ताई का भाई ने समय लिया, ताई ने निवेदन था उसको एक्सेप्ट किया, मैं तो ताई का बहुत प्रेरणी हूँ, हमने समय दिया और हमारे कार्यालय उद्घाटन करने के लिए आया भाई, हमारा कार्यालय उद्घाटन करने के लिए ताई आई। ये हमारा सौभाग्य है कि ताई अभी सेशन चल रहा है दिल्ली में, फिर भी समय निकाल के अगर हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए ताई आई है तो हमारा सौभाग्य। नरेंद्र जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसका कुछ अगर उद्देश्य ऑफिस कार्यालय ओपनिंग का, समस्याएं यहाँ की लोगों की समस्याएं क्या मुख्य समस्याएं हैं? पहले ही डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे चाहे वो पुलिस स्टेशन का मैटर हो, बीएमसी का मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो, ट्रैफिक का मैटर हो, कोई भी अगर मैटर होता है तो अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है, चाहे एसआरए का कोई तकलीफ हो, वो हर चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मीटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नाम करवा देंगे, आधार कार्ड की तकलीफ है तो देंगे, जो लोकल समस्याएं हैं। और बहुत बड़ी बात, यहाँ पे बगल में एसआरए का प्रोजेक्ट है,
लेकिन कुछ लैंड डिफेंस में आती है, और डिफेंस के लिए भी जो ताई ने जो काम किया है दिल्ली में जाके हमारे लोगों की बात पहुँचाई है वो भी हम लोगों तक फैले। थैंक यू सर। आप कुछ कहेंगे? मैं जगदीश शर्मा जिला उत्तर प्रदेश जिला उपाध्यक्ष इस्वाण में रहता हूँ, और जो भी चीज़ें जो आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, यहाँ की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे यहाँ ऑफिस की बड़ी जरूरत थी, और आज जो ऑफिस खुला उसके लिए हम लोग जनता की कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उसके लिए तत्पर रह सकते हैं। इसके लिए कार्यालय का बहुत ही महत्व रहेगा, और आने वाले दिनों में जितने भी लोगों की समस्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सुलझाई जाए, जैसे इलेक्शन रोड में नाम डालना है, मतदाता पत्र यादी भी जो है नए सिरे से तैयार होगी, उसमें भी कुछ लोगों के नाम छूट गए या कुछ लोगों के नाम काट दिए गए उनके भी वापस शामिल करवाना है, या यहाँ महानगर पालिका की भी बहुत सारी समस्याएं रास्ते पर आते हैं, ठंडे पड़े हुए रोड को वापस से नए तरीके से बनवाना है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी इस बात की रहेगी कि जनता की जो समस्या यहाँ की है, यहाँ कुछ लोगों के राशनिंग विभाग से भी प्रॉब्लम है, जो कुछ लोगों के नाम या राशन कार्ड में नहीं है, कुछ के बच्चे परिवार दस साल के हो गए लेकिन राशन ऑफिस वाले उनका नाम नहीं डालते, तो जो भी समस्या होगी और उनकी गणतंत्र जी और सब हम सब मिलकर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हाँ अरुण जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काफ़ी जवाबदारी होगी यहाँ के लोगों के, तो कैसे उसको डील करते हैं और क्या क्या प्रक्रिया है कि लोग आके आपको कैसे संपर्क करें और क्या 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 प्रक्रिया है? सचिव होने के नाते पूरे लोग मेरे तक पहुँचते हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ, लीगली भी बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, बस ये ऑफिस डालो तो लोग और मेरे से कनेक्ट करेंगे, और जब सब कनेक्ट आने के बाद उनके लिए सॉल्व करेंगे। चौबे जी, आखिरी सवाल कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे, आज इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, मैं तो लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मेरी बड़ी शिकायत, इतने बड़े हुजूर में लोग यहाँ पे आए ताई को देखने के लिए, ताई को सुनने के लिए, और हमने यहाँ के लोगों को पहले भी कहा है अभी भी कहा है कि चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोई भी मैटर हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो यहाँ पे आइए, चाहे एडमिशन का मैटर हो, कोई भी मैटर हो यहाँ पे आइए, आपका उस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लगभग लगभग वो सॉल्व करेंगे ही। Thank you.